गोरखपुर में गीता प्रेस की पुस्तकों को लेकर एक बार फिर बढ़ी डिमांड। प्रभु रामलीला के अयोध्या में विराजमान होने के बाद से ही लगातार गीता प्रेस की पुस्तकों की डिमांड बढ़ गई है। माना जा रहा है कि चुनावी समर के मद्देनजर भी इन पुस्तकों की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, जिसमें सबसे ज्यादा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड की पुस्तकें हैं। इस बार तमाम राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं को पवन पुत्र हनुमान की याद आ गई है, और यही वजह है कि इस बार हनुमान के शरण में सभी राजनेता हैं और रामनवमी भी नजदीक है। लिहाजा चुनाव और रामनवमी को लेकर गीता प्रेस हनुमान चालीसा और सुंदरकांड की पुस्तकें ज्यादा छाप रहा है। यही वजह है कि इस बार महज 3 महीने में तकरीबन 23,90,000 पुस्तकें छापी जा चुकी हैं। वहीं पिछले साल 2023 की बात करें तो जनवरी, फरवरी और मार्च यानी 3 महीने में तकरीबन 16,70,000 हनुमान चालीसा और सुंदरकांड की पुस्तकें छापी जा चुकी थी। इस बार इन पुस्तकों की डिमांड को लेकर जानकारों की माने तो चुनाव के माहौल में राजनेताओं के जरिए इस बार हनुमान चालीसा और सुंदरकांड की पुस्तकों का सहारा लिया जा रहा है, जिससे उनकी डूबती नैया को किनारा लग सके। फिलहाल अब सभी राजनेता और पार्टियां हनुमान जी के शरण में हैं। गीता प्रेस की बढ़ी डिमांड को लेकर जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अयोध्या में भव्य प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद गीता प्रेस की पुस्तकों की डिमांड जिस तरह से बढ़ी है, उसकी वानगी गीता प्रेस में छपती पुस्तकों को देख कर लगाया जा सकता है। खासकर अब जब चुनाव है तो सभी राजनीतिक पार्टियां भक्त हनुमान के शरण में आ चुकी हैं और उनकी पुस्तकों के जरिए इस चुनावी नैया को पार करने की जुगत में जुट गई हैं। ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।